Hi, welcome at In24 News. Kavita's here, big sister Dr. Kavita Nalwa. और हम चलते जा रहे हैं अपने धीरे 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 करके टफ 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 वर्कआउट पे, ताकि हम एक अट्रैक्टिव फिजीक पा सकें एक अच्छी हेल्थ के साथ साथ. हेल्थ तो हमारी बनती जा रही है साथ साथ में, अब हम वी आर वर्किंग टूवर्ड्स अट्रैक्टिव फिटनेस. हमें सिर्फ नॉर्मल फिटनेस नहीं चाहिए, हमें अट्रैक्टिव फिटनेस चाहिए. तो अब अट्रैक्टिव फिटनेस का मतलब होता है शोल्डर्स, चेस्ट, बैक, दिस पोर्शन, बट थाइस, एवरीथिंग शुड बी इन ए प्रॉपर शेप. सो अब हम काम करेंगे, हमारे टोटल बॉडी वर्कआउट योबिक्स है. तो अब मैं आपको जो वर्कआउट दिखाऊंगी आज, उसमें हम योबिक्स का जो स्क्वाट है वो डिफरेंट तरीके से हम करते हैं, विच इज़ गुड फॉर योर प्रॉपर शेप फॉर बट एंड थाइस एज वेल एज योर अपर बॉडी. नॉर्मल जो आप स्क्वाट्स करते हैं वो आपको सिर्फ यहाँ और यहाँ पर ही आपको एक्सरसाइज देता है, लेकिन योबिक्स के जो स्क्वाट्स हैं वो आपको टोटल बॉडी वर्कआउट देते हैं, यानी कि टोटल बॉडी फिटनेस देते हैं. तो अब पहले हम इसका बेसिक फॉर्म करते हैं. बेसिक फॉर्म में आपको करना ये है कि हाथ को इस तरीके से, यू हैव टू जस्ट होल्ड योर हैंड्स लाइक दिस, हाथ को ऐसे पकड़ के एंड देन हाथ अप लेके जाना. आपने देखा होगा लकड़हारा, देखा होगा आपने वो कभी इस तरीके से ऐसे लकड़ी काटता है, राइट, ऐसे आगे आके, कभी वो ऐसे नहीं काटेगा, राइट, इस तरीके से. सो सिमिलरली आपको ये करना है कि अपने हाथों को ऐसे रखना है एंड देन आप गोइंग अप एंड गोइंग इन द स्क्वाट फॉर्म, आगे से दूर से हाथ लेकर के अपने टोज को यहाँ टच करना है एंड देन अगेन फार अवे एंड बैक. सांस छोड़ते हुए आपको आगे जाना है, यानी कि जब आप ऐसे जाएंगे तो एक क्रंच करते हुए सांस छोड़ना है आपको, यानी कि सांस छोड़ के आपको पेट को अंदर खींचना है, राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर, हाथ को ये होल्ड किया, शोल्डर्स बैक अप एंड देन 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं, जब उनको हम एक्सरसाइज कराते हैं ये, तो बहुत सारे मिस्टेक लोगों की ये होती है कि वो हाथ को सिर्फ इस तरीके से करते हैं, विच इज़ रॉन्ग. वेन यू आर इन्वॉल्विंग योर अपर बॉडी, दैट मीन्स यू आर गिविंग एक्सरसाइज टू योर अपर बॉडी एज वेल. जब आप अपर बॉडी को भी साथ में लेते हो, दैट मीन्स आपका मकसद है कि आप अपर बॉडी की एक्सरसाइज भी साथ साथ में कर रहे हो. तो उसे बहुत सही तरीके से करना बेहद ज़रूरी होता है. शोल्डर्स बैक लेकर हाथ इस तरीके से पकड़ा, प्रॉपर तरीके से ये चेस्ट को आउट करके ये अप गए एंड आगे आते हो, सांस छोड़ते हो, पेट को अंदर खींचना है आपको, दिस वन, और दूर से हाथ लेकर के अंदर गए, नीचे हाथ टच किया टोज पे एंड वहीं दूर से अगेन अप, देन दिस एंड बैक. कहीं पर भी आप ऐसे नहीं जा रहे हो, ऑलवेज यू आर सिटिंग एट दी बैक. ये तो आपके शोल्डर्स, चेस्ट और बैक मसल्स को भी एक्सरसाइज मिलते जा रही है, इंक्लूडिंग योर टमी. जब हम ऐसे आगे जा रहे हैं, ऐसे करके बैठ रहे हैं, तो इट गिव्स एक्सरसाइज टू योर टमी एज वेल. इसको दूसरे तरीके से करना है. दूसरे तरीके से आपको एक पैर को आगे रखना है और एक पैर को आपको इस तरीके से पीछे रखना है, इतना सिर्फ. एंड द फॉर्म विल बी दी सेम, शोल्डर्स बैक, चेस्ट आउट, अगेन अप योर हैंड्स, और इस बार आपके आगे वाले पैर के टो को आपको टच करना है, यानी कि अब बैठना ऐसे, बैठना ऐसे नहीं है, ये नहीं बैठना है आपको, पीछे बैठना है इस तरीके से, गोइंग बैक एंड देन 1, 2, 3, 4 and 5. सिमिलरली ये पैर आगे करके सेम फॉर्म, ब्रीदिंग आउट वाइल गोइंग डाउन, 1, 2, 3, 4 and 5. एवरी टाइम जब मैं ये कर रही हूँ, एवरी टाइम आई एम गिविंग एक्सरसाइज टू माई चेस्ट एंड बैक एंड शोल्डर्स, तीनों. इसे आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, ऑल्टरनेट में यू कैन डू दिस. ये 1, आप देख सकते हैं जो पैर मेरा पीछे जाता है ये, तो मैं ऐसे बैठ रही हूँ, मैं कहीं पर भी मैं ऐसे नहीं बैठ रही हूँ,
यहाँ पर भी जोर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर भी जोर नहीं आना चाहिए, इसके लिए आपको ऐसे बैठना है, थोड़ा सा पीछे पुश होना है, राइट, एंड देन सिटिंग लाइक दिस। तो नाक का प्रेशर इधर आ रहा है ना, इधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, राइट, आप एंड गेन डू दिस ऑल्टरनेट, दिस वन एंड। अगर आप ये तीनों स्क्वाट, योबिक स्क्वाट अगर आप 10-10 बार कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी इट विल गिव यू टोटल बॉडी वर्कआउट, यानी कि इंक्लूडिंग योर अपर बॉडी, टमी पोर्शन, बट्स, थाइस एंड इट विल टर्न इनटू ए कार्डियो। अगर आप ऑल्टरनेट करते इट विल टर्न इनटू ए कार्डियो। और जैसे क्या इस हम यहाँ पे मुंबई ग्लोबल स्कूल में करें कि ओनर प्रिंसिपल ममता जी भी आ गई, वो भी बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हैं फॉर अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए। सो यू शुड ऑल्सो बी डूइंग एक्सरसाइज, योबिक्स वर्कआउट फॉर योर हेल्थ एंड फिटनेस एवरी सिंगल डे। हर दिन एक्सरसाइज करना है। सो नाउ